अगर मन में आगे बढ़ने का हौसला हो तो दिव्यांगता कहीं पर भी आड़े नहीं आती। 5 वर्षीय अहमद रजा, जिसके जन्म से दोनों हाथ नहीं है लेकिन प्रतिभा ऐसी कि किसी को भी हैरान कर देती है। अहमद रजा की प्रतिभा को पीएम मोदी और यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी सराहा। देखिए रिपोर्ट। सच में आप पूरा जग घुमाइए लेकिन इस बच्चे जैसा कोई नहीं मिलेगा। टैलेंट और अनोखी प्रतिभा के धनी 5 साल के अहमद रजा जन्म से ही दिव्यांग, लेकिन इनके हौसले ने इनकी अंधेरी जिंदगी में रोशनी कर दी। बेहद मासूम इस नन्हे बालक को देखकर आपकी आंखों में शायद आंसू आ जाए, लेकिन अहमद रजा ने अपनी प्रतिभा से परिवार की जिंदगी में खुशियां भर दी। अहमद रजा किसी के मोहताज नहीं, अब ये दुनिया इनकी डांस की दीवानी है। अहमद रजा राष्ट्रीय स्तर पर अपनी डांस का लोहा मनवा चुके हैं। वाराणसी में दिव्यांग टैलेंट शो में उनकी प्रतिभा को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी सराह चुके हैं। हम छोटे छोटे बच्चे हैं, साथ हमारे कत्ते हैं, हम निन्न जाएंगे, तने पे गोल करेंगे, मर जाएंगे, मिल जाएंगे, हरा के जान बाएंगे। 5 साल के अहमद रजा की जिंदगी मुश्किलातों से भरी हुई थी। जन्म से दोनों हाथ नहीं हैं, पैर भी टेढ़े मेढ़े हैं। जन्म के दौरान ही रिश्तेदारों ने पिता को बच्चे को अनाथालय छोड़ देने की नसीहत दी, लेकिन गरीब पिता ने अपने कलेजे के टुकड़े को दिव्यांगता से परे हीरा बनाने की ठानी और अब नतीजा ये है कि दोनों हाथ नहीं होने के बावजूद अहमद रजा अब वर्ल्ड डांसर हैं। जो लोग पहले उसे छोड़ने की बात कहते थे वे आज उनकी प्रशंसा करते नहीं थकते और उसके साथ सेल्फी लेने को ललायत रहते हैं। परिवार वाले सारे इसकी मदद करते हैं लेकिन किसी की मदद लेता नहीं है सर, ये अपने आप ही सब कुछ करता है। पिता के जज्बात और बच्चे के हौसले को देखकर उदयपुर का नारायण सेवा संस्था भी मदद के लिए आगे आया, पैरों का उपचार करवाकर उन्हें सीधा करवाया। अहमद रजा की कम उम्र से ही डांस, गाना गाने और फुटबॉल खेलने में दिलचस्पी थी। नारायण सेवा संस्थान के चेयरमैन ने उनकी प्रतिभा को देखते हुए टैलेंट शो में मौका दिया, जिसके बाद से उनकी जिंदगी ही बदल गई। नारायण सेवा संस्थान टैलेंट शो करवाती है दिव्यांग बच्चों के लिए भारत के हर स्टेट में जाके लगभग, तो इसको दिल्ली, मुंबई और लगभग सभी बड़े शहरों में जाके इसने अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया है। अहमद रजा भी एक बच्चा है जिसके हाथ नहीं है, जो मकरान से बिलोंग करता है, सब सारे काम कर लेता, दिनचर्या और अपना डांस करना सब कुछ कार्य करता है। मासूम रजा हर काम खुद से करता है। दिव्यांग होने की वजह से कोई भी स्कूल उसकी जिम्मेदारी नहीं ले रहा था। मुरधर स्कूल के प्रधानाचार्य बाबूलाल विश्नोई ने दिव्यांग रजा की जिम्मेदारी लेते हुए उसे अपने स्कूल में निःशुल्क एडमिशन दिया। अब रजा स्कूल जाकर पढ़ाई कर रहा है, अपने पैरों से लिखता है, पैरों के सहारे जूते पहनता है, खुद तैयार होकर स्कूल जाता है। इसकी जो टैलेंट देख करके जो हमने इसको मौका दिया क्लास में, काफी हद तक ओरली तो ये काफी हद तक है वो कवर अप कर लिया है। रिटर्न में भी ये अब पैर से प्रयास कर रहा है और उम्मीद है कि आने वाले समय के अंदर ये हो जाएगा। अगर मन में आगे बढ़ने का हौसला हो तो दिव्यांगता कहीं पर भी आड़े नहीं आती। 5 साल के अहमद रजा ने अपनी प्रतिभा और हौसले से ये साबित कर दिया है कि अहमद रजा उन लोगों के लिए एक मिसाल है जो दिव्यांगता की वजह से निराशा के गर्त में चले जाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जिंदगी।